चौहान साहब, आप लोगों पे तो सुबह से ये इल्जाम लग रहा है जब से गिरफ्तारी हुई है कि नायब को आपने बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं रहने दिया, आप लोग अपने मकासद के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है और आप अच्छे तरीके से ये जानती हैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब भी इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो केसेस शहबाज शरीफ साहब पे कायम हुए हैं और जिसकी बुनियाद पे वो आज गिरफ्तार हुए हैं, वो हमारी हुकूमत के अंदर नहीं बने थे, वो 2012 के अंदर और 2013 के अंदर इनके ऊपर बने थे, 2013-14 के अंदर, और 2012 में आशियाना का बना था और 2015 के अंदर जो है ना ये आपका साफ पानी का बना था। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब 2014-15 में 16 में इन्होंने नैब की इंक्वायरियां भुगतना शुरू की थी, उस वक्त आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, धमकियां लगाई थी नैब के खिलाफ, हमजा शहबाज ने भी धमकियां लगाई थी, साद रफीक साहब ने भी जो है वो बड़ी धमकियां लगाई थी। अब जब उस वक्त नैब इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी तो क्या उस वक्त पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के कहने पर नैब की हुकूमत कर रही थी? क्या उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया था कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस शुरू करो, या नवाज शरीफ साहब का हुक्म था कि हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस शुरू करो, या फिर पंजाब के अंदर अगर शहबाज शरीफ साहब हुक्मरान थे, वजीर आला थे, तो क्या उन्होंने नैब को ऑर्डर किया था कि मेरे बेटे हमजा शहबाज को जरा चक्कर लगाना शुरू करो नैब के? जब उस वक्त उनका फार्मूला और इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, तो आज ये किस मुंह के साथ और किस मुनाफकत के मुंह के साथ ये नैब जैसे आजाद अदारे की एक्टिविटी को पीटीआई की हुकूमत के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि ये अपनी रही सही जो टके आने की इज्जत रह गई है उसको बचाने के लिए, और फिर ये कहते हैं जी जिमनी इलेक्शन को हरवाने के लिए। मैं हैरान हूं कि मां सदके जाए इनके ऊपर और प्यो वारी जाए, को खुदा के बंदो तुमने पहले कौन सी तोपे चला ली है 25 जुलाई 2018 को? ना तुम बलोचिस्तान में नजर आ रहे हो, ना तुम केपीके में नजर आ रहे हो, ना तुम सिंध में नजर आ रहे हो। लेकिन अब तो उनका मकसद था ना, आपने दो डिवीजनों की तुम पार्टी इत्तेहाद हुआ है ना, अब तो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हुआ है। अच्छा सुन ले, फिर अगले भी सुन ले, चलो इसका भी जवाब सुन लो, सुन लो सुन लो, एक मिनट सली से सुन लो शाजिया, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हुआ है पंजाब के अंदर, 200, 500, 700, 800 वोट पीपल्स पार्टी के 2018 के ना पंजाब का रिजल्ट उठा के देखें आपको जो है ना वो 200 से लेके 2500 से ऊपर आपको वोट नजर नहीं आएगा। पीपल्स पार्टी ने इनको क्या देना है? असल में इनको पता है इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, 14 अक्टूबर 2018 में भी जमीनी इंतखाब इन्होंने बुरे तरीके से हारना है, लेकिन अब मसला यह है कि अब नैब बिल्कुल आजादाना अपनी प्रोसिक्यूशन कर रही है। पिछले 10 साल जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के, नैब हो, FPR हो, FIA हो, पुलिस हो, कोई अदारा भी हो, उसके रस्ते में उसकी प्रोसिक्यूशन में तमाम हुकूमती अदारे जो है वो हुकूमत के जो अहलकार हैं वो हर्डल और बैरियर और ऑब्स्टिकल क्रिएट करते थे और ये प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस ही दे सकते थे। नैब को इन्होंने ओवरएव किया हुआ था, नैब के ऊपर चेयरमैन इन्होंने चौधरी कमरुल जमान जैसा अपना जाति पपट और अपनी जाति गुलाम बनाया हुआ था। अब जब नैब ने कुछ करना शुरू किया है तो इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। हमारा इन नैब की इन तमाम एक्टिविटीज के साथ इतना ही ताल्लुक है कि हम नैब को करप्शन और बदयांती के खिलाफ चलाई गई इस जंग के अंदर 100% पॉजिटिवली फैसिलिटेट करेंगे, इससे ज्यादा हमारा और कोई किरदार नहीं। सही।